अब हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है यानी कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए जिसका टाइटल होना चाहिए चौकीदार ही चोर है। जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की अपडेट। दोस्तों भोजन समाज के लिए जो सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है यूपी से। यूपी की सांसद सावित्रीबाई फुले को तो आप लोग जानती होंगे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही बीजेपी से इस्तीफा दिया है। दोस्तों वह पहले बीजेपी की टिकट से सांसद थी भराइची से, लेकिन दोस्तों उन्होंने अब बीजेपी को छोड़ दिया है। सावित्रीबाई फुले की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ मुलाकात की है। दोस्तों अब इस मुलाकात से कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या सावित्रीबाई फुले समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहती है। दोस्तों शायद सावित्रीबाई फुले बहुत जल्दी ऐलान कर सकती है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी है। दोस्तों इसके बारे में भी कोई कंफर्म खबर नहीं है, ये सिर्फ एक मुलाकात की खबर है जो सावित्रीबाई फुले और अखिलेश यादव के बीच में हुई थी शनिवार को। दोस्तों सावित्रीबाई फुले और अखिलेश यादव जी की मुलाकात के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सावित्रीबाई फुले समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहती है या नहीं होना चाहती है। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है भोजन समाज के लिए जिग्नेश मेवानी को लेकर। आप लोग जिग्नेश मेवानी को तो जानती होंगे जो गुजरात से निर्दलीय विधायक है। दोस्तों उनकी तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक नई मूवी आने वाली है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह मूवी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर बनी है। दोस्तों इस मूवी को लेकर जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि अब हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है यानी कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए जिसका टाइटल होना चाहिए चौकीदार ही चोर है। दोस्तों जिग्नेश मेवानी का कहना था कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर भी एक मूवी बने और उसका नाम हो चौकीदार ही चोर है। जैसा कि दोस्तों मूवी में बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, तो दोस्तों जिग्नेश मेवानी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक आपदा प्रधानमंत्री कहा है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को जिग्नेश मेवानी ने द डिजास्टर पीएम कहा है। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी पे मूवी बनना चाहिए? अगर मूवी बनना चाहिए तो उसका नाम क्या होना चाहिए मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी से। यूपी में हुआ है खाद घोटाला, तो क्या है वो घोटाला आइए मैं आपको बताता हूँ। यूपी के बदायूं जिले में किसानों के लिए आई करीब 3 करोड़ की खाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इस खाद घोटाले में कई सारे विभागों के अफसरों की शामिल होने की खबर सामने आ रही है। जांच के बाद इन अफसरों के ऊपर गाज गिरना तय माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों अभी अफसर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदायूं जिले में जो खाद आई थी वो कहां पर है। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को लेकर। चंद्रशेखर आजाद जी पुणे के भीमा कोरेगाव पहुंच चुके हैं। दोस्तों वहां पर जाके उन्होंने लोगों को संबोधित किया और बाबा साहब के मिशन के बारे में बताया। दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या क्या कहा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं, तो देखिए आप लोगों वीडियो। बाबा साहब ने हमें तीन चीजें सिखाई थी ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक बहुत बुरी बीमारी हम लोगों में आ गई है, ये चाटुकारिता वाली, ये चमचा युग वाली, ये भी बंद करनी पड़ेगी। हमें धैर्य भी चाहिए और समर्पण भी चाहिए। मूवमेंट तब चलेगी जब हमारे अंदर समर्पण होगा। हम अगर लालची होके काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर हम अपना हित लेके काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें लोगों को, ये जो नौजवान लोग यहाँ खड़े हैं, इनको तय करना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या क्या कहा है। दोस्तों अगली खबर भीम आर्मी को लेकर ही है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने भी एक वीडियो ब्लॉग के जरिए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है और मोदी सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें भीमा कोरेगांव नहीं जाने दिया गया, दोस्तों उस बारे में विनय रतन सिंह ने भी कुछ बातें कही है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो आप लोग वो भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार की मनमानी है, तानाशाही है। सरकार को मालूम हो चुका है कि बहुजन समाज का एक गब्बर से माननीय संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिनकी एक आवाज पर पूरे देश का बहुजन समाज एक साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है, वो मुंबई महाराष्ट्र की सरजमी पर है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा कि विनय रतन सिंह ने भी क्या क्या कहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक विशेष बात करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था
और महाराष्ट्र के अहमदनगर का एक मेयर बीजेपी का बन गया था। मुझे काफी सारे ऐसे नीचे कमेंट आए और डिसलाइक भी आए कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बीएसपी के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में बीएसपी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है और बीएसपी के बड़े नेतृत्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मैंने जो बात की थी वहां के मेंबरों को की थी, जो वहां के पार्षद चुने गए हैं उन लोगों के बारे में बात की थी कि उन लोगों ने बीजेपी के मेंबर को वोट किया मेयर चुने जाने के लिए। दोस्तों ये बात तो गलत थी ना कि बीएसपी के जो पार्षद चुने गए हैं उन्होंने बीजेपी के मेंबर को वोट किए। दोस्तों उस वीडियो में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था बीएसपी के खिलाफ जिस तरीके से मुझे नीचे कमेंट आ रहे थे। हालांकि दोस्तों मैं बहुजन समाज की एकता ही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बीएसपी, भीम आर्मी, वामन मेश्राम जी और जितने भी छोटे मोटे बहुजन समाज के संगठन है वो सब एक मंच पर आ जाए और हम 85% एक हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन दोस्तों जो गलत लोग हैं, जो हमारे बीच में चमचागिरी करते हैं, जो हमारे बीच में सिर्फ विधायक, सांसद, पार्षद बनने को आते हैं और किसी और को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का पर्दाफाश होना भी जरूरी है, नहीं तो दोस्तों हमारा मिशन कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तो दोस्तों ये बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है और इन लोगों से बचना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से वादा करता हूं कि बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, भले वो कोई भी हो या किसी भी पार्टी का हो, मैं उसके बारे में कुछ भी कभी गलत नहीं कहूंगा। लेकिन दोस्तों मैं सच्चाई जरूर दिखाऊंगा जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा अपने आपको खोलिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि बीएसपी में जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, जैसा कि वो चार पार्षद जिन्होंने बीजेपी का मेयर बना दिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो उस वीडियो के आखिर में ये भी कहा था कि अभी तक मायावती जी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस बारे में। अगर कोई बयान आता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैंने उस वीडियो में ना बीएसपी, ना मायावती जी, ना किसी शीर्ष नेतृत्व पर कोई सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मेरा काम है कि मैं आपको अपडेट रखूं। वो अपडेट किसी भी तरह की हो सकती है, भलाई वो पार्टी की बुराई भी हो सकती है या अच्छाई भी हो सकती है। हर बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुझे बस इतना ही कहना था कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, थंबनेल देख के या टाइटल देख के वीडियो को डिसलाइक या कमेंट मत करा करिए। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि मैंने गलती करी है तभी आप नीचे कमेंट करें। ऐसे ही टाइटल देख के या थंबनेल देख के कमेंट ना कर दिया करें। दोस्तों इतना ही कहना था। वैसे मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते होंगे। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुजन समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिए। हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, तो आप कभी भी बहुजन समाज की अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।